और आज से देश में बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। इसकी शुरुआत पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। शाम 5 बजे जेपी नड्डा पीएम मोदी पार्टी का सदस्य बनाकर इस अभियान की शुरुआत करेंगे और पार्टी ने इस अभियान के तहत चुनावी राज्यों को छोड़कर पूरे देश में 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और इस वक्त पूरे देश में बीजेपी के 18 करोड़ सदस्य हैं। इस अभियान का पहला चरण 10 सितंबर तक चलेगा जबकि दूसरा चरण 1 अक्टूबर से शुरू होकर 15 अक्टूबर तक चलेगा और फिर तीसरे चरण में 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच यह अभियान चलाया जाएगा। तो 10 करोड़ नए सदस्य बनाने का कवायद बीजेपी का शुरू हो चुका है। सदस्यता अभियान का लेकर मेगा सदस्यता अभियान जो प्लान है बीजेपी का वो इस समय आपके सामने है। फिलहाल सदस्यता का पीएम की भी सदस्यता का नवीनीकरण होगा और साथ ही जयपुर से भी ये खबर है इसी से जुड़ी हुई क्योंकि आज से बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत खुद जब जेपी नड्डा और पीएम मोदी कर रहे हैं तो उसमें भजन लाल शर्मा जयपुर की अगर हम बात करें सदस्यता अभियान की तो उसकी लॉन्चिंग आज जयपुर में करेंगे। सीएम की भी सदस्यता का नवीनीकरण होगा। अगर पीएम की सदस्यता का नवीनीकरण होगा तो सीएम की भी सदस्यता का नवीनीकरण होगा ताकि वो तमाम लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सके। जो लक्ष्य रखा गया है 10 करोड़ बीजेपी के नए मेंबर्स को बनाने के लिए ताकि उनके सामने एक एक एग्जाम्पल रखा जा सके, इन्फ्लुएंस किया जा सके प्रभावी रूप से कि ताकि लोग आए और बीजेपी के बीजेपी का दामन थामने, उसका परिवार, उसका कुनबा और बढ़ाए। सभी 51 बूथों पर 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बड़ी खबर, आज से बीजेपी अपने सदस्यता अभियान में जुट गई है। आज इस तरह से कह सकते हैं इसकी हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के द्वारा की जाएगी। और चलिए आपको अब खबर गुजरात से बताते हैं क्योंकि इस समय गुजरात के हालात सही नहीं है। हालात इसलिए क्योंकि बारिश ने वहां पर कहर बरपा रखा है। कई जिलों में बाढ़ की चपेट से तमाम लोग परेशान हैं लेकिन सबसे ज्यादा हाहाकार इन 5 जिलों में है। इस समय आपको 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। आपको बताते चले ये सारी तस्वीरें गुजरात की हैं, चाहे वो कच्छ हो, चाहे वो भरूच हो, चाहे हम बात करें भरचू की और चाहे हम बात कर लें गुजरात में कई नदियां जो कि खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 47 लोगों की जान जा चुकी है। इस समय गुजरात में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। गुजरात के इन 6 जिलों से आई तस्वीरों को देखिए कैसे चारों तरफ जल प्रलय से लोग जूझ रहे हैं। तो गुजरात की अगर हम अहमदाबाद की बात करें, पोरबंदर, जामनगर, कच्छ की बात करें, भरचू की बात करें या फिर खेड़ा की बात करें, ये 6 तस्वीरें हैं जहां सड़कों पर पानी लबालब है, दुकानों के अंदर पानी भर चुका है वो हम और उसके पहले भी आप देखिए घरों में भी पानी भर चुका है। चलिए अब इस बीच बीकानेर के खाजुवाड़ा से बड़ी खबर है जहां हनी ट्रैप पे फंसाकर फर्नीचर व्यवसायी को फंसाया गया है। युवती ने 10 लाख रुपए लेकर उसको ठगे हैं, उसको ब्लैकमेल किया फिर उससे 10 लाख रुपए ठगे। पीड़ित संदीप कुमार ने FIR दर्ज कराई है उस धोखाधड़ी महिला के खिलाफ। फाती आपको यह भी बताते चले कि युवती ने नशा देकर अश्लील वीडियो बनाया था, उसी के तहत वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ये ठगी की गई। ज्यादा जानकारी के साथ विक्रम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं। विक्रम, हनी ट्रैप का ये बेहद ही गंभीर मामला, क्या जानकारी देंगे? देखिए, जो पीड़ित है संदीप कुमार, उन्होंने खाजूवाला थाने में एक मामला दर्ज करवाया है कि गंगानगर में एक जो प्लाईवुड कंपनी का एक कार्यक्रम था उस दरमियान एक कंपनी की जो महिला है वो उसके संपर्क में आई और उसके बाद से जो महिला है वो लगातार उससे दोस्ती कर रही थी और उसके साथ घूमने का काम भी कर रही थी। लेकिन जब एक बार महिला ने इसको नशीला पदार्थ दिया और उसके बाद इसका अश्लील वीडियो बना लिया और उसके बाद से लगातार जो व्यापारी है उसे टॉर्चर किया जा रहा था और अलग अलग समय में अलग अलग रुपए लेकर कुल अभी तक 10 लाख रुपए युवती पर ठगने का आरोप लगाते हुए इसने मामला दर्ज करवाया है। और साथ ही जो है वीडियो के बहाने जो है युवती अब इस युवक पर दबाव बना रही है जिसने ये पूरी तरीके से मानसिक रूप से भी
परेशान हो चुका है और फिर इसने ये मामला अपने परिजनों के साथ आकर मामला दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है कि महिला ने किस तरीके से ये सब किया है, उसकी अभी जांच की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक फर्नीचर व्यवसाय को किस तरह एक महिला ने उसके साथ एक अश्लील वीडियो बनाया और उस वीडियो के आधार पर उसको ब्लैकमेल करती रही, तमाम रुपए उससे उस वीडियो के आधार पर ब्लैकमेलिंग के आधार पर उसे गबन किए, लेकिन अब परेशान होकर आखिरकार शख्स को पुलिस की आस लगी और सीधे वो खाजूवाला पुलिस से मामले की जांच की अपील किया, वहां पर एफआईआर दर्ज कराई और अब पुलिस पूरे जांच में जुट चुकी है। हनी ट्रैप में एक फर्नीचर व्यवसायी किस तरह फंसा वो खबर आपको हम बता रहे थे इस वक्त। और एक बार फिर गुजरात की तरफ रुख करते हैं क्योंकि गुजरात में इस समय कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हाहाकार पांच जिलों में है। गुजरात में कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस समय गुजरात में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। देखिए रिपोर्ट। आसमानी आफत का कहर, डूबे गांव और शहर, कहीं सड़कें बनी समंदर, गांव के गांव नजर आए टापू। बारिश और बाढ़ का विकराल रूप, हर जगह जल तांडव। गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। बाढ़ का कहर कुछ ऐसा बरपा कि सड़क पर सैलाब उमड़ आया, लोगों के घर डूबे हुए नजर आए, गली मोहल्ले अंडरपास सब सैलाब में समाते दिखे। गुजरात के गिर सोमनाथ में बाढ़ ने कोहराम मचा दिया। इन तस्वीरों में देखिए कैसे प्राचीन माधवराव जी मंदिर सैलाब में समाया दिख रहा है। बीते कई दिनों से माधवराव जी मंदिर पानी में डूबा है, मंदिर की मूर्ति से 5 फीट ऊपर तक बहाव दिख रहा है। गिर जंगल में भारी बारिश की वजह से नदियों में उफान है, जिसके बाद किनारे के इलाके डूब गए हैं। गुजरात के अरवल्ली में भी बाढ़ से हाहाकार मचा है। वहां मालपुर का स्वयंभू रखोडेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो गया। मंदिर के चारों तरफ बाढ़ का भयानक मंजर दिखा। दरअसल भारी बारिश के बाद वात्रक नदी में जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से किनारे पर बना ये मंदिर बाढ़ में समा गया। महादेव मंदिर के आसपास करीब 1 किलोमीटर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। गुजरात के कच्छ में बारिश ने भयानक तबाही मचाई। घरों में पानी घुसने से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भर गया, गांव और मोहल्ले डूब गए। सबसे ज्यादा परेशानी अबडासा के ग्रामीण इलाकों में दिखी। करीब 2200 की आबादी वाला लाला गांव भी बाढ़ के पानी में डूबा नजर आया। यही नहीं, गांव के सभी रास्तों पर कमर तक पानी भरा दिखा। गुजरात के कच्छ में क्या इंसान क्या बेजुबान, सभी कमर तक भरे पानी में बाढ़ से संघर्ष करते दिखे। कच्छ में बाढ़ ने लगभग हर जगह कब्जा कर लिया, गलियों और सड़कों पर सैलाब दिखा तो वहां से कई अंडरपास डूबे हुए नजर आए। हालात ऐसे हो गए थे कि लोग बेबस हो गए। अब आप गुजरात के खेड़ा की तस्वीरें देखिए। भारी बारिश की वजह से यहां भी हाल बेहाल हो गया। घरों में बारिश का पानी भरने से अंदर रखा सामान बर्बाद हो गया, लोग घरों की छतों पर रहने के लिए मजबूर हो गए। गुजरात के खेड़ा की सोसाइटी में बाढ़ ने कब्जा कर लिया। घरों में पानी घुस जाने से लोगों का लाखों का नुकसान हो गया। घरों में रखे फर्नीचर, बिजली के सामान सब डूबे हुए नजर आए। पोरबंदर में भी भारी बारिश के बाद चारों तरफ सैलाब नजर आया। क्या शहर क्या गांव, हर जगह रास्ते डूबे हुए नजर आए। ग्रामीणों को अपने मवेशियों की चिंता हो गई, क्योंकि वो भी बाढ़ के पानी में डूबे दिखे। गुजरात के पोरबंदर में बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई, पूरा इलाका पानी में डूब गया। ड्रोन से बनाए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया।
पोरबंदर में सैलाब के प्रहार की एक और तस्वीर देखिए। नदी पर बना पुल तहस नहस हो गया। गुजरात में रेस्क्यू टीम भी लोगों को बचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। उफनते सैलाब के बीच हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाने की कोशिश में हमारे जवान जी जान से जुटे हैं। उन्हें लहरों के ऊपर से रस्सी की मदद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। पोरबंदर में हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। उधर बाढ़ से जूझ रहे वडोदरा में एक और मुसीबत आन पड़ी। वडोदरा के रिहायशी इलाकों में मगरमच्छ दिखने लगे हैं। वडोदरा में एक ही रात में 9 मगरमच्छ निकले। शहर के अलग अलग इलाकों से इन्हें रेस्क्यू किया गया। शहर में मगरमच्छ आ जाने से लोगों में दहशत है। ये मगरमच्छ भारी बारिश की वजह से पानी में बहकर शहर में पहुंच गए। गुजरात के कई जिलों में हर तरफ तबाही दिखी। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। सैलाब की रफ्तार ने रास्तों को तोड़ दिया है। लोग बस अपने उम्मीदों पर पड़ी कुदरत की मार की तस्वीरों को निहार रहे हैं। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। फिलहाल इन लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है सैलाब के जाने के बाद बीमारियों से खुद को बचाने की। और चलिए अब बात डूंगरपुर से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां बाइक सवार बदमाशों की दबंगई देखी गई है। चलती बस पर दो बदमाशों ने बियर की बोतल फेंकी है। बस का शीशा टूटने से ड्राइवर सहित दो लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। दुबरा थाना क्षेत्र के पगारा गांव के पास की ये पूरी वारदात है। यात्री लेकर साबला से अहमदाबाद ये बस जा रही थी और बस ड्राइवर ने दोबरा थाने में पूरा मामला दर्ज करा दिया है। बड़ी खबर बाइक सवार बदमाशों की किस तरह दबंगई यहां पर सामने आई है वो आपको बता रहे हैं। दरअसल एक बस पर शीशे की बोतल फेंकी गई है, वो भी बियर की बोतल। जयेश पवार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर कनेक्ट कर चुके हैं। जयेश, अभी पुलिस क्या एक्शन ले रही है और कौन ये बदमाश थे जिन्होंने ये हरकत की है? घटनाक्रम है वो कल देर शाम का है। एक जो निजी बस है वो साबला से सवारिया लेकर दोबड़ा थाना क्षेत्र के पास हमने से एक दुशा है काज का यात्री जो है घायल हो गया। बस चालक ने जो है दोबड़ा थाने दर्ज कराई। बहुत शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो बाइक सवार बदमाशों की किस तरह से यहां पर दबंगई दिखाई दी, बस के ऊपर दो बियर की बोतल फेंकी, जिसमें बस चालक के साथ ही यानी कि दो यात्री भी उसमें घायल हो गए और उसके बाद बोतल फेंककर फरार हो गए। उसके चलती बस पर दो बदमाशों ने बियर की बोतल फेंकी है। आपको ये भी बता दें कि बस ड्राइवर ने दोबड़ा थाने में पूरा मामला दर्ज करा दिया है। बस जो है वो साबला से अहमदाबाद की तरफ जा रही थी, तभी उस बीच में ही दोबड़ा थाना क्षेत्र के पगारा गांव के पास ये हरकत की गई है कुछ दबंगों के द्वारा। चलिए अब खबर आंध्र प्रदेश से बताते चले। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। यहां YSR कॉलोनी में पानी भरने से लोगों का घर, गाड़ियां, दुकान, पेट्रोल पंप सब डूब गए। विजयवाड़ा में बाढ़ और बारिश का आलम यह है कि पूरा इलाका एक मंजिल तक डूबा नजर आ रहा है। बारिश से हालात इतने बुरे हो गए हैं कि लोगों के घर से लेकर दुकानों तक के अंदर पानी घुस गया है। दो तस्वीरें इस समय आप आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की देख रहे हैं। ड्रोन के जरिए आप पूरे विजयवाड़ा को देख सकते हैं कि जहां पर भी नजरें आपकी जा रही हो हर तरफ से पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क पर खड़ी गाड़ियां जलमग्न हो गई हैं, दुकानों के अंदर पानी भर चुके हैं। लोग अब इस पानी से आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में परेशान है। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से बात की है और इस दौरान पीएम ने दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बारिश और बाढ़ के मद्देनजर राज्यों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। पीएम मोदी ने इस चुनौती से निपटने के लिए केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया।
और अब बात चमोली से बड़ी खबर की, जहां कर्णप्रयाग के सिमली में भारी बारिश से अतिवृष्टि हुई है। कई घरों में मलबा घुसा है, पानी मलबे में गाड़ियां भी दबी हुई नजर आई। कल देर रात भारी बारिश के बाद क्षेत्र में अतिवृष्टि हुई। किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना फिलहाल नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के चमोली से। तस्वीरें भी इस वक्त आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही होंगी, किस तरह भारी बारिश के बाद अतिवृष्टि हुई। लेकिन हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन तस्वीरें इस तरह से हैं जिस तरह मानो कि वहां पर कितना नुकसान हुआ होगा। डैमेज तो जरूर हुआ है, लेकिन किसी के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। देर रात बारिश हुई, उसके बाद क्षेत्र में अतिवृष्टि की ये पूरी तस्वीर। और ये भी खबर चमोली से ही है, जहां बड़ी खबर ये चमोली से है, जहां पर मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है। छिनका नद्रप्रयाग में सड़क पर मलबा आया, लगातार हो रही बारिश से सड़क पर मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। दोनों ही जगह पर मार्ग खोलने का काम जारी है। तो उत्तराखंड के चमोली की खबर है, लगातार हो रही बारिश से सड़क पर मलबा गिरने का सिलसिला जारी है। एक तरफ जहां बारिश और उसके बाद मलबा, और दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से क्योंकि रूट को क्लियर करने का भी काम जारी है। चमोली से ये सीधे तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद है, हाईवे को खोलने की कोशिश लगातार किया जा रहा है। तो आपको फिर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए उत्तराखंड के चमोली से, जहां चाहे वो नंदप्रयाग की बात करें या फिर बद्रीनाथ की बात करें, भारी बारिश, ना सिर्फ बारिश ने जमीन पर कहर बरपा रखा है, बल्कि पहाड़ों पर भी भयावह मंजर बारिश के बाद नजर आ रहे हैं। जिस तरह से अतिवृष्टि हो रही है कई जिलों में, आपको चमोली की वो भी तस्वीर दिखाई, उसके बाद भारी बारिश की वजह से किस तरह से वहां पर नंदप्रयाग की बात करें वहां पर भी आप देख सकते हैं, या फिर बद्रीनाथ हाईवे की बात करें वो जाम हो चुका है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि मलबा को हटाया जाए, रूट क्लियर कराया जाए, ताकि हाईवे खुल सके और वहां पर गाड़ियां गुजर सके। और अब बात बड़ी खबर की, जो कि बंगाल से है, जहां ममता सरकार ने आज से विधानसभा का दो दिन का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें रेप के दोषियों को मौत की सजा देने का बिल पेश होगा और इसे पारित भी किया जाएगा। ममता बनर्जी ने 28 अगस्त को कहा था कि आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए 10 दिनों के भीतर एक बिल पारित करेंगे। बीजेपी ने ममता बनर्जी के लाए विधेयक का समर्थन किया है, साथ ही कहा है कि वो ममता के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा के अंदर भी विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो आज जो विशेष सत्र बंगाल का बुलाया गया है, आज हंगामेदार रह सकता है। एक तरफ रेप विधेयक को लाने की पूरी कवायद ममता सरकार की तरफ से की जाएगी, तो एक तरफ बीजेपी उसका समर्थन तो कर रही है, लेकिन रेप की जो जघन्य वारदात वहां पर हुआ बंगाल में, उसको लेकर ममता सरकार से इस्तीफे की भी मांग बीजेपी की तरफ से विधानसभा में किया जाएगा। खबर कोलकाता से, जहां कोलकाता रेप और मर्डर मामले में सीबीआई की जांच तेज हो गई है। सीबीआई टीम लगातार पूछताछ कर रही है और इस सिलसिले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टाफ और डॉक्टरों से पूछताछ की गई। इसके साथ ही सीबीआई टीम एक बार फिर क्राइम सीन पहुंची और सीबीआई अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग, बॉयज हॉस्टल, प्रिंसिपल ऑफिस भी गई, जहां से साक्ष्य जुटाने की या फिर कोई ना कोई ऐसा लिंक जो उस केस को सॉल्व कर सके उसको तलाशने के लिए पुलिस ने ये सीबीआई जो टीम है वो फिर से वहां पर गई। आपको ये सीधे तस्वीरें कल देर रात की बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश से बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर भेड़िये का आतंक थम नहीं रहा है, नहीं थम रहे हैं भेड़िये के हमले। एक बच्ची और बुजुर्ग महिला पर भेड़िये ने फिर से हमला किया है। भेड़िये के हमले में बच्ची की मौत हो गई है। घर से करीब 1 किलोमीटर दूर बच्ची का शव मिला। घायल बुजुर्ग महिला अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज जारी है। फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 4 आदमखोर भेड़िये तो आ गए हैं,
पिंजरे के अंदर, लेकिन अभी भी जो भेड़िये इलाके में दहशत फैला रहे हैं उसका एक मंजर एक बार फिर से सामने निकल कर आया, जहां एक बार फिर से गांव वाले डरे हुए सहमे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बार आदमखोर भेड़िये ने फिर से एक मासूम बच्ची को अपना शिकार बनाया, अपने घर से कुछ दूरी पर उसका शव मिला और एक बुजुर्ग को भी अपना शिकार बनाया। हालांकि बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती करा दी गई, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। बुजुर्ग महिला की हालत आप देख सकते हैं किस तरह से है, और उस मासूम बच्ची को शिकार बनाया है। गांव वालों ने या आपकी माता ने किसी को ने भेड़िया को देखा था? माता जी ने देखा। अच्छा ये बताइए, आपके यहाँ भेड़िए दरवाजा वरवाजा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? दरवाजा था लेकिन थोड़ा ज्यादा। बहराइच में भेड़ियों की तलाश में लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन भेड़ियों के रेस्क्यू में वन विभाग को काफी दिक्कतें भी आ रही हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे में जगह जगह जलभराव हो रहा है। वहीं गन्ने की फसल के बीच भेड़िये लगातार चकमा दे रहे हैं। क्या भेड़ियों की दहशत का खात्मा होने में अभी एक महीना और बचा है? क्यों इसकी आशंका जताई जा रही है? देखिए रिपोर्ट। बहराइच के दर्जनों गांव भेड़ियों के आतंक से परेशान है, क्योंकि कड़ी पहरेदारी के बाद भी भेड़िये रिहायशी इलाकों में हमला करने आ रहे हैं। आखिर घेराबंदी के बाद भी भेड़िये क्यों नहीं पकड़े जा रहे, ये बड़ा सवाल बन गया है। ऐसा नहीं है कि भेड़िये चुपचाप बैठे हैं, वो लगातार हरकत कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हमला भी कर दिया है। ये भी आशंका जताई जा रही है कि अभी एक महीने और भेड़ियों का आतंक रह सकता है। पीछे एक्सपर्ट्स कई वजह बताते हैं। बहराइच की जिस महसी तहसील में भेड़ियों का कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, वो घाघरा का कछारी क्षेत्र है। इस वक्त देश भर में मानसून की बारिश देखी जा रही है। बहराइच में भी मानसून की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है, क्योंकि बारिश होने से जगह जगह पर जलभराव हो रहा है। वहीं गन्ने की फसल भी लहलहा रही है, जिससे खेतों में हर तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, और भेड़ियों के लिए छिपना भी आसान है। एक तरफ तापमान भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से उमस हो रही है, और बढ़ते टेम्परेचर के बीच कैमरों में ओवरहीटिंग भी हो रही है, जिसकी वजह से भेड़ियों को पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है। और इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले एक महीने तक भेड़िये आतंक मचा सकते हैं, क्योंकि सितंबर जाते जाते बारिश भी कम हो जाएगी और फसलें भी कटने लगेंगी, जिसकी वजह से भेड़ियों का छुपना भी मुश्किल होता जाएगा। आज से करीब 28 साल पहले भी उत्तर प्रदेश में भेड़िये नरभक्षी बन गए थे। साल 1996 की बात है, जब उत्तर प्रदेश के तीन जिलों प्रतापगढ़, सुल्तानपुर और जौनपुर में कई लोग आदमखोर भेड़ियों का शिकार बन गए थे। भी बना था, काफी यूएन कराई था, काफी उसमें पॉलिटिकल भी वो था, तो वन विभाग की कई टीमें ने उसे 3-4 महीने ऑपरेशन चला था। वो ऑपरेशन वास्तव में काफ़ी टफ था, क्योंकि उस सारे भेड़िए गांव की तरफ जाते थे। अल्टीमेटली उसमें 7 या 8 भेड़िए मारे गए, और पता तब भी चला जब 8वें भेड़िए मारने के बाद कई दिन तक कोई घटना नहीं तो हुआ, वो ख़त्म हो गया होगा, और वो ख़त्म भी हो चुका था। उसमें हमारे एक DFO प्रतापगढ़ थे, उनकी आँख में चोट भी आ गई थी उसमें काफ़ी। और इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, और आगे देखिए खास बुलेटिन गोरपंथ।